वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और एक टाइम पे ना जिसका बहुत बोलबाला था कैब सर्विस में या फिर बाइक टैक्सी में भी, बट अब बाइक टैक्सी में ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो अगर आप लोग ओला में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो टम्पू ने हमारी आवाज़ ख़राब करने के चक्कर में दोबारा करना पड़ रहा है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ओला में आप अगर राइड ले रहे हैं तो फर्स्ट राइड को किस तरीके से कम्प्लीट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है रास्ते में और किस तरीके से ऐप को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राइड का। और ये अपना सारा सेटअप जो है यहाँ पे तैयार है। ये दोस्तों ओला का ऐप इस तरीके से होता है कुछ। यहाँ पे ऑफ ड्यूटी होता है, ये ऑन ड्यूटी, और ये जो गो टू है यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अगर कहीं आप दूर चले जाते हो और आप अपने घर में आना चाहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने 5 एड्रेस दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इन एड्रेस पे जाने के लिए बस इसको क्लिक करना है, अगले 40 मिनट तक आपके पास उसी रूट पे जो राइड आएंगी वो आएगा, ठीक है। तो ये देखो ऑर्डर आ गया, राइड आ गई मेरे पास, पहली राइड आ गई दोस्तों सेक्टर 75 पे। इससे ना 5 से 6 सेकंड देता है स्किप करने के लिए, अगर आप उस दौरान स्किप कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको राइड एक्सेप्ट करना ही होगा। तो जियान जी का ऑर्डर आ गया मेरे पास, तो राइड आ गई है, चलो पिक करते हैं। ओला में ऑटोमेटिक मैप जो है ओपन हो जाता है इस तरीके से। लेट्स सी कितनी दूरी पे है ये, सेक्टर 75 में ही हूँ मैं अभी। तो भाई साहब ये जो राइड है लगभग 40 मिनट बाद आई है मेरे पास। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं 800 मीटर की दूरी पे। चलो आगे बढ़ते हैं कि ओला में ना लोकेशन नहीं पता लगता है कि कस्टमर कहाँ जाएंगे, और तो इससे ना हम राइडर को बहुत दिक्कत होती है। ये ऐसा दिल्ली NCR में है, लेकिन कई जगह पे ऐसा है ओला में कि आपको राइड का डेस्टिनेशन दिखता है कि आखिर कस्टमर कहाँ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार ओला से, प्लीज़ ये जल्दी से अपडेट कर दो यार। आप EV रेवोल्यूशन में, ग्रीनरी रेवोल्यूशन में लगे हुए हो, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे दो यार, आप लोगों के यहाँ पे भी लोग हैं। तो जी ये लोकेशन है कस्टमर का। यहीं रुकते हैं क्या? ये गोल्फ सिटी 7, तो यहाँ पे गोल्फ रुकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लोकेशन है कस्टमर का। अब इस पर क्या करना है अपने को कि ऐप पे जाना है, क्या मांग रहा था ये, क्लाइंट लोकेशन, क्लाइंट लोकेटेड आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है बस। 5 मिनट का टाइम है, हम इतनी देर वेट करेंगे, और इससे पहले अगर अभी कैंसिल कर दोगे तो ओला आप लोगों को ठेंगा नहीं देगा, और इसके बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो 7 से 8 रुपये जो है कैंसिलेशन चार्ज मिल जाएगा। लेट्स वेट फॉर द कस्टमर। जैसे ही आप कस्टमर आ जाएंगे तो मुझे ये स्टार्ट ट्रिप पे ऐसे करना है, देन यहाँ पे OPT डालना होता है, जो कि उन वो बताएंगे हमें कस्टमर, उसके बाद ही ये राइड स्टार्ट होता है। आ जाओ भैया आ जाओ। अब देखो ओला में डेस्टिनेशन तो दिखता नहीं है, तो मेरे लिए ये मतलब सभी राइडर के लिए रिस्की हो जाता है कभी कभी। सपोज़ आपको उस एरिया में जाना ही नहीं है जहाँ की ये राइड है, बट क्या करें, मैं यार काम कर रहा हूँ जब, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूछता नहीं हूँ सर कहाँ जाना है क्या जाना है, चलो कहीं भी ले जाए किस्मत। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये लिखा हुआ आ रहा है कि यू कैन वेट और कैंसिल द बुकिंग नाउ। तो अगर मैं अब कैंसिल करूँगा तो मेरे को जो है पैसा मिल जाएगा, बट यार कैंसिल क्या करना, क्योंकि ओला में वैसे राइड कम आती है, तो इसलिए अपन तो वेट कर रहे हैं। कस्टमर ने कॉल किया मेरे को कि मैं आ रहा हूँ लिफ्ट में हूँ, काफ़ी टाइम हो गया आ नहीं रहे, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल पे क्रिएट करेंगे और ये कस्टमर रिलेटेड इशू डाल दो। हद हो गई यार, चलो वेट करते हैं अगले राइड का। देखो यार ऐसे करते हैं लोग, है ना, ये आप देख सकते हैं 6.73 रुपीज़ जो है मेरे को मिल गया इसमें। वेट करते हैं फिर अगले राइड का। ये आ गई एक और ट्रिप मेरे पास 74 से, प्रमोद कुमार जी। तो इसका लोकेशन देखते हैं कितनी दूरी पे है। 280 मीटर। चलो जी अब देखिए इस पे अराइव कर देते हैं, क्योंकि ये लोकेशन पे आ गए, रोड के साइड है, तो ये यू टर्न लिया और आ गए।
अब अराइव के बाद अगर हमें मिनिमम 5 मिनट वेट करना ही पड़ेगा, उससे पहले कैंसिल करोगे तो बता ही चुका हूँ कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, अदरवाइज 7 रुपये मिल जाएगा आपको। तो जी यहाँ पे कहीं पे है भैया मिस्टर प्रमोद कुमार, ये तो नहीं है चश्मे वाले भैया, कॉल कर लेते हैं यार। कॉल करने के लिए इस पे जाना है कॉन्टैक्ट पे, और ये जो फ़ोन का दिखा रहा है नाम के बगल में, इस पे क्लिक करना है और डायल हो जाएगा। ये अंकल है, आप है सर? आराम से गाड़ी आ रही है, अब स्टार्ट ट्रिप करेंगे। प्रमोद कुमार ना, OPT दीजिए। 1766 लीजिए, आइए। तो ये सेक्टर 11 का है, आराम से बैठिए सर। 9.6 किलोमीटर, 25 मिनट। भाई देखो, दो रूट दिखा रहा है कि यहाँ पे 7.2 किलोमीटर है और इस रूट पे दिखा रहा है 6.9। 200-300 का फर्क है, बट ये वाला रूट ना बहुत ट्रैफिक होगा, इसलिए इसने ये वाला रूट चूज किया है। आराम से उतरिए, उतर है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? अच्छा मेट्रो है, अच्छा उधर भी है ना। अच्छा, 109 रुपये। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे 110 रुपये कस्टमर से लिए मैंने 109 रुपये, जिसमें मुझे 97 रुपीज मिला है। तो मतलब अच्छा है यार, पीक आवर में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 रुपये किलोमीटर जो है मिल गया है। और इसका मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, राइड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए आज का 97। इसमें थोड़ा सा अगर हम तोड़ के देखते हैं इसको, तो भाई इस पे जाते हैं, 109 रुपये मुझे मिला है, 90 रुपये मेरी अर्निंग हुई है, और जिसमें से पेड टू द थर्ड पार्टी लिखा आ रहा है ना, ये 10 रुपये, ये प्लेटफॉर्म चार्ज लग गया ओला का, और TDS है वो 11 पैसा लगा है। तो इस तरीके से पता नहीं क्या क्या करके टोटल 18 रुपये 64 पैसे ओला ने प्लेटफॉर्म चार्ज काट लिया इसमें। 24 मिनट का ये ट्रिप था तो ठीक है, 90 रुपये करीब मेरे को मिल गए, 7 रुपये पहले वाला था। ये था दोस्तों पहली ट्रिप ओला में, और इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ, और ट्रेनिंग वीडियो भी अब लाता रहता हूँ। 2-व्हीलर पे हमेशा हेलमेट पहने, 4-व्हीलर पे सीट बेल्ट का यूज़ करें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।